शहर के कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर रोड स्थित शिवा मेडिकल पर लगाए नशे का कारोबार करने का आरोप है। परिजनों ने रंगे हाथों नशे का सामान खरीदते युवक को पकड़ा और एक घंटे तक हंगामा चला। हंगामा होता देख मेडिकल बंद कर परिजन भी भागे। पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है मेडिकल संचालक पर, जिसमें उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन तब भी शहर के मेडिकल वाले लगातार नशे के कारोबार में लिप्त हैं। इस पर ना तो प्रशासन का ध्यान है ना ही स्वास्थ्य विभाग का। पकड़े गए युवक छोटू चौरसिया पुत्र नारायण चौरसिया निवासी बड़ा बाजार और अभिषेक बेड़िया पुत्र सोना अशोक बेड़िया निवासी रेड लाइट एरिया ने बताया कि पिछले एक साल से इसी दुकान से नशे का सामान क्रय करते थे। वहीं आज उन्होंने जिस इंजेक्शन को खरीदा है वो उन्हें 100 रुपए में उपलब्ध करवाया गया। तो अभी आप धरने पे इसलिए परिवार के लोगों को ले गए थे क्या? बोलो जा रहा सरयाम शिवा मेडिकल वाला और हमारे लड़के को दिया जा रहा है। 12-12, 13-13 साल बच्चे को साल को दिया जा रहा है। लेने आए थे दो लड़के और कार्रवाई नहीं कर रही। उन बच्चों को तो ले गई, लेकिन जो कर रहा है, जो बेच रहा है, जो अपराधी है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये बेच रहा है शिवा मेडिकल वाला नहीं हुई है सर। पुलिस कहती आ रही है, आ रही है, अभी तक कोई नहीं आ पाया है और हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। हमने कहीं इनको पकड़ा जाए, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। कब आएगी पुलिस? कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे आगे? हम आत्महत्या कर लेंगे यहाँ पे। मैं हूँ मैं जिसकी जिसने ये ड्रग्स खरीदा है ना, यहाँ से पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगी मैं यहाँ पर। अगर पुलिस ने अगर इसको गिरफ्त में नहीं लिया है कार्रवाई नहीं, और पहले भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जिसने ड्रग्स खरीदा ना उसी की मैं माँ हूँ। मैं पेट्रोल डाल के यहाँ पर आग लगाऊंगी क्योंकि मेरा घर तो वैसा ही बर्बाद हो चुका है इस मैक के चक्कर में, और मैं वैसे ही मरना चाहती हूँ। बस अभिषेक मेडिकल संचालक का क्या नाम है? वो उनको लेके गए, अब ये अंदर होएंगे और जो जिसने मेरा लड़का है अगर उसके साथ में वो थाने में। ये शिवा मेडिकल स्टोर है यहाँ, इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि आपत्तिजनक सामग्री और जो ड्रग बैन है वो सेल करता है। हमने ड्रग इंस्पेक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर साहब को भी बुलवाया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम पूरी करेंगे। नहीं जाम तो नहीं लगाया था, लेकिन आप ना विरोध प्रकट कर रहे थे कि ऐसा ही करते हैं, और ऐसा यदि पाया जाता है तो हम निश्चित तौर पर लीगल कार्रवाई करेंगे। कई बार पूर्व में शिकायतें हो चुकी हैं, पहले भी जो जेल जा चुका है इसी मामले में, लेकिन आज तक इसमें कठोर कार्रवाई नहीं। वैधानिक रूप से जो भी कार्रवाई रहती है, अब वो कठोर है या जमानत पर छोड़ देते हैं, ये न्यायालय का काम है। मान हम लोग जो उचित धाराएं हैं उसमें कार्रवाई करते हैं, उसके बाद जेल भेजते हैं। ये मैं दिखवाता हूँ, इस बारे में मुझे जानकारी।